प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। निर्दिष्ट कार्य 9.1 का पिछला वीडियो मैंने जो डाला है उसमें 1 से 4 तक के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें दिया है करणी 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले LHS लेना होगा। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर और पूरा LHS आपको ये ले लेना है करणी 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये आपने सबसे पहले लिया है LHS। अब जब भी आपको ये करणी वाला सवाल क्वेश्चन में आता है, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, कोई भी हो, तो आपको इस जो हर है इसमें अंश है 1 माइनस साइन थीटा और हर 1 प्लस साइन थीटा, ये अंश व हर हैं। तो आपको हर को ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको इसमें गुणा लगा के, अगर यहाँ प्लस है तो आपको अंश बाहर में माइनस से गुणा करना है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। और यदि यहाँ माइनस है तो आपको प्लस से गुणा करना है। तो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले करणी पूरी थोड़ी बढ़ा देनी है यहाँ से, ताकि ये गुणा हो सके। अब यहाँ प्लस लिखा है तो आपको लिखना है 1 माइनस साइन थीटा बटे, और यही संख्या दोबारा लिख देनी है 1 माइनस साइन थीटा। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए मैंने क्या किया है। यहाँ अगर प्लस है, इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ भी माइनस लिखेंगे, और यदि यहाँ माइनस है तो इसका माइनस का विपरीत होता है प्लस, तो आपको लिखना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन यहाँ है प्लस, इसलिए हमने लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करणी ज्यों की त्यों लगा देना है आपको, और हो सके तो आप पेपर में जब बैठें तो करणी आप स्केल की सहायता से लगाएं, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो बहुत ही आकर्षक दिखे। और ये सवाल ज़्यादातर IMP है, पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तिमाही छमाही में और वार्षिक में। पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर में से तैयारी कर सकते हैं। और जल्द ही मैं यहाँ के मैथमेटिक्स के जितने भी IMP विकल्प हैं मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, और जो भी सवाल आप पे नहीं बनता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। इसका मतलब है कि ये माइनस माइनस के दो जगह लिखे हैं, तो हम इस पे 2 की घात लगा के एक जगह लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, और ये 2 जगह का लिख गया, एक जगह है और हमने घात लगा दी 2 की, क्योंकि ये 2 जगह लिखा था इसलिए हमने इसे एक जगह लिखा है और घात लगी है 2 की, क्योंकि ये 2 जगह था। बटे, यहाँ बटे लगा है दोनों जगह का, सो एक जगह लगा दिया। और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसकी सर्वसमिका बनती है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी कि ए वर्ग यानी एक का वर्ग एक ही होता है, और ऋण बी वर्ग यानी साइन साइन, ये बी का मान है तो बी वर्ग यानी साइन वर्ग थीटा। दूसरे तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि आपको ट्रिक के तरीके से करना है, एक का गुणा एक में किया तो एक आया, और माइनस प्लस का आया माइनस, साइन का साइन में किया तो साइन वर्ग। लेकिन इसमें ध्यान रखना है एक का गुणा ओनली एक में होगा, साइन का गुणा साइन में होगा। तो ये सरल आपको जल्दी फास्ट करने की विधि है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है गुणा, लेकिन आपको ट्रिक बताया है मैंने।
और इसकी जो रीजन है कि क्यों आया, तो 1 + sin θ, 1 - sin θ, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि मैं यहाँ बगल में आपको समझाऊँ, यहाँ लिखा है 1 + sin θ, इसका मतलब है a + b, यानी कि a का जो मान है वो 1 हो जाएगा, b का जो मान है वो साइन थीटा हो जाएगा। और 1 - sin θ का मतलब होता है a - b, यानी कि a का मान फिर से 1 है और b का मान है साइन थीटा। तो इसकी सरलसमीका बनती है a² - b² यानी कि a² यानी कि a का मान है 1 तो 1 का वर्ग, और b² यानी b का मान है साइन तो साइन का वर्ग। तो इस तरीके से 1 का वर्ग 1 ही होता, तो 1 - sin²θ ये आपको मिलेगा। और यदि आपको समय बर्बाद नहीं करना है पेपर में, तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसा कर सकते हैं, 1 का गुणा 1 में किया तो 1, और प्लस माइनस का माइनस, साइन का साइन में तो साइन वर्ग, ये डायरेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा इसको अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं। 1 - sin θ² और बटे 1 - sin²θ का होता है cos²θ। अब ये कैसे आया, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक सर्वसमिका पढ़ी हुई है, sin²θ + cos²θ = 1, ये हमारी सर्वसमिका है। अब यहाँ से यदि हम साइन का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हम इस साइन का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ इसका, तो यहाँ बचेगा तो cos²θ = 1 ही बचेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन ये पलट के इस तरफ आएगा, तो ये कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस का है। और जब ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये -का sin²θ हो जाएगा। तो हमें मिलेगा cos²θ = 1 - sin²θ, यही मिलेगा। यानी कि 1 - sin²θ cos²θ के बराबर होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 1 - sin²θ जो है वो cos²θ के बराबर ही है। यहाँ भी 1 - sin²θ जो है वो cos²θ के बराबर। इन्हें बार बार भूलते रहना है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक चाहिए हैं, तो थोड़ी सी तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसका बनेगा 1 - sin²θ का cos²θ। इसके बाद आपको देखना, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बिना वर्ग वाले संख्या अंदर की, जो कि है 1 - sin θ / cos θ। इस तरीके से आपको मिल जाएगी। यहाँ आप फिर से देख लीजिए, जो ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, ये कैंसिल हो गया है। यहाँ ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, क्योंकि ये सभी पे वर्गमूल है, इसलिए वर्ग और वर्ग दोनों चले जाते हैं, और वर्गमूल भी चला जाता है, यानी कि करणी भी चली जाती है। तो आंसर आएगा 1 - sin θ / cos θ। इसके बाद यहाँ इसके बटे में अलग कीजिए, 1 / cos θ, अलग अलग बटी में करना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, -sin θ / cos θ, ये अलग अलग बटी में कर देना है आपको। उसके बाद 1 / cos θ, ये cos जो होता है sec का उल्टा होता है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ आप मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका, जो मैंने बताया था sin θ, cos θ और tan θ, और मैंने बोला था ये 6 फंक्शन होते हैं। साइन का उल्टा होता है cosec θ, ये इस तरीके से, ये होता है sec θ, ये होता है cot θ। तो साइन का उल्टा cosec θ, यानी कि जब यदि कहीं 1 / cosec θ लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइन लिखा है, और यदि कहीं 1 / cos θ लिखा है, तो इसका मतलब sec θ, या 1 / sec θ लिखा है, तो इसका मतलब होगा है cos θ। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है 1 / cos θ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जब 1 / sec θ cos θ होता है, तो 1 / cos θ sec θ हो जाएगा, 1 / cos θ sec के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में उल्टे हैं, तो एक दूसरे के जब ये 1 / होते हैं, तो विपरीत हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं। तो 1 / cos θ बनाएगा sec θ - sin / cos। इसका तो आपको सूत्र याद रखना ही है, ये हम यहाँ फिर से आप डिस्कस करते हैं। sin θ / cos θ बराबर होता है tan θ, जबकि
कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, ये आपको याद रखना है। साइन बटे कॉस टेन बनाता है, जबकि इसका विपरीत कॉस बटे साइन कॉट बनाता है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा कॉट साइन बटे कॉस है सॉरी, तो यहाँ आएगा टेन थीटा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन में आरएचएस दिया गया था, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है ये रहा आरएचएस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमारा आंसर आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम यहाँ पेपर में लिखेंगे आरएचएस और लास्ट में जाके लिखेंगे, चूंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस, तो ये आपका हुआ सिद्ध। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है।